फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ऑन दिस कैट 2020 स्लॉट टू क्वांट क्वेश्चंस डिटेल सॉल्यूशन सेशन। दोस्तों, इस सेशन के अंदर वी ट्राई टू प्रोवाइड यू द बैकग्राउंड अबाउट द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है वो हम आपको समझाते हैं, हम उसके द्वारा आपको अप्रोच भी बताते हैं कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। आई बिलीव द स्टूडेंट्स हु आर एबल टू अगेन से कैरी आउट दिस क्वेश्चंस विद अस, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स विद अस, दे विल हैव अ ग्रेट बेनिफिट ऑन द डी डे। ठीक है, एग्जाम के दिन आपको बड़ा फायदा होगा, क्योंकि मैं आपको बीच बीच में ऐसी छोटी छोटी चीजें बताता रहता हूँ जो आपको पक्का मदद करेगा ऑन द कैट डे। ओके, लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 11। ओके, अनिल बाइस 12 टॉयज and labels each with some selling price, same selling price. He sells 8 toys initially at 20% discount. तो दिमाग में calculation चल ही रहा है, so let me directly start with the question here. है ना, जैसे पढ़ते जाते वैसे वैसे question solve करते हैं। 12 toy थे, उनकी कोई price रखी थी, उनमें से कुछ 8 toys थे, उसने उसको बेचा 20% discount के ऊपर, so that makes it 2.8 of P. Okay. Then he sells remaining 4 toys at additional 25% discount, so that is 1/4 discount दे दिया, so that is 3/4 on the original price. This ये हो गया total price, thus he gets a total of 2112 and makes a profit of 10%. ठीक है, so this 2112 is nothing but है ना 1.1 of the cost price. Okay, ठीक है ना, great. ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी तब हम देखेंगे उसको. With no discount, his percentage of profit would have been. अगर कोई discount नहीं होता तो वो सामान बेचता total 12p पे. ठीक है, now I'm not bothered about 2112, है ना, I'm looking at my total selling price is equal to 12p originally. अब he's giving discount, yes or no? ठीक है, he's giving discount. Okay, ठीक है, और वो discount पे क्या मिलेगा उसको, what is the kind of price is getting. Okay, chalo badhiya, so that means this is 8 8s are 64, so that is 6.4p. theek hai, plus 44 chala gaya, 8 3s are 2.4p, so that makes it to 8.8p. okay, that is the selling price. 8.8p is this 2112 jiske upar usko 10% ka profit hota hai, which means this 8.8p is equal to 1.1 of cost price, so that makes it to 8p is the cost price. Yes or no? What is his selling price? 12p originally. What is his cost price? 8p. Yes or no? So what is the money he is earning? That is 4p. 4p on 8p into 100, that is 50% is the answer. ठीक है, if you are not comfortable with p method, you can possibly go by again say 2112 वाला method. ठीक है, जहां से आप सीधा सीपी निकालोगे 2112 डिवाइड बाय 1.1, दैट मेक्स इट टू 1.1, सो 11 से कटेगा, 11 वन 11. ठीक है, एंड दिस इज 999 एंड 21920, दैट्स द कॉस्ट प्राइस. ठीक है, आप वहां से सीपी निकाले हो आप. ठीक है, फिर आप यहां से पी की वैल्यू 2112 वाली करके यहां से, मतलब दैट्स हाउ द कैलकुलेशन विल बी. आई थिंक द मेथड व्हिच आई हैव टेकन इज अ फास्ट मेथड, इज एन इजी मेथड. That's what you have to pick up. Is that okay? Great. ठीक है, so मैंने यहाँ पे किया क्या, एक बार अगर मैं आपको एक overview दे दूँ, तो मैंने किया क्या, उन्होंने जैसे कहा था that there is a label price, so that is at that price is selling all those 12 items, that is 12p. ठीक है, at that point in time what is the profit he is going to earn. ठीक है, and for that इन्फॉर्मेशन कि प्रॉफिट लाने के लिए कॉस्ट प्राइस चाहिए, उस कॉस्ट प्राइस के लिए उन्होंने बताया कि अगर हम डिस्काउंटेड वैल्यू में देते हैं 8 का और 4 आइटम का अगर अलग अलग डिस्काउंट देते हैं, तो देन वी आर लेफ्ट विथ सम नंबर, है ना, दैट इज 10% प्रॉफिट. तो हमने उसको इसके साथ कंपेयर करके हमने उसकी कॉस्ट प्राइस ढूंढी थी. इजी था क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 12 इज अ क्लासिक क्वेश्चन ऑफ हाउ टू सॉल्व एन इक्वेशन. एक्स एंड वाई are non-negative integer, that means they are either zero or positive. So x is equal to z minus 9. Okay, x will be z minus 9. Y is equal to z minus 1 from this two equation,
I'm writing this, and then they said x plus y is less than z plus 5. So I put x, which is z minus 9, y is z minus 1 is less than z plus 5. So therefore, I get 2z minus 10 is less than z plus 5. So that means z is less than 15. Z is less than 15. Okay. And they are asking us, what is the maximum possible value of 2x plus y? Yes or no? Now, when z is less than 15, they are integer and I need x or y maximum. So, I will take z as a big number. What will be the maximum number of z? It will be 14. Yes or no? If I put z is equal to 14, my x will be 5 and y is equal to 13. And if I put this here, 2x plus y, so that is 2 into 5, 10, plus 13 makes it to be 23. So answer ho jayega iska 23. Kafi easy, kafi simple, theek hai? Aur bahut hi simplified way mein equation ko manage kaise karna is the question they are asking us. Question number 13. Students in a college have to choose at least two subjects from chemistry, math, physics. The number of students choosing all the three subjects is 18. Now when I read this, I get an idea that they are talking about Venn diagram. Yes or no? Venn diagram hai. Subjects kaun kaun se? Chemistry, math, physics. Interesting point bola hai, ye dhyan diya jaye, that the students in the college will have to choose at least two subjects, which means only one subject choose nahi kar sakte ho. Which means ye number 0 hai. ये नंबर 0 है, ये नंबर 0 है, क्योंकि that talks about only one subject, that is only one subject, they cannot take, yes or no, great, number of students choosing all the three subjects is 18, all the three subjects is 18, okay, that's very clear, choosing mathematics as one of their subject is 23, ये नंबर 23 है, choosing physics as their one of the subject is 25, ये 25 है, then the smallest possible number of students who could choose chemistry as one of their subjects. Okay, let me number this A, B and C. I need the minimum number for chemistry. Okay, now when I look at this number, I know my A plus C, ye pura math ka circle is equal to 23, usme se ye 18 hai, to A plus C ho jayega mera 5. Okay, and then this entire physics ka circle hai, hai na, is pura entire physics ka jo circle hai, theek hai, ye pura physics ka circle hai, that is equal to 25. So B plus C is 7. Okay, now they are asking us to find out the minimum possible value. Hai na, this is A plus C is 23, bilkul sahi hai. ये आपका चाहिए b plus c is 25 बिल्कुल सही है. Now they are asking minimum possible value for this. ठीक है, minimum possible value के लिए I will convert है ना, this I will take maximum value for c. Now minimum के लिए can I convert a equal to 0? If I put a equal to 0, if I put a equal to 0, I get c equals to 5. If I put c equal to 5, b equal to 2, c usse chota, matlab usse bada ho sakta hai kya? Matlab if I put b equal to 0, hana, can I put c equal to 7? That is not possible, hana, that is not possible. Kyu possible nahi hai? Kyunki a plus c hi milakar 5 hota hai. So that means c ka maximum possible value is 5, c 5 ho jayega, a 0 ho jayega, to b तो पक्का आपको 2 चाहिए, उससे नीचे हम जा नहीं सकते हैं. So that means when I talk about all the smallest possible subjects, some number of students for chemistry would be 18 plus B, 18 plus B plus A. I took A equal to 0, B equals to 2, so that makes it to 20. So answer would be 20. Comfortable है? Very good. चलिए बढ़िया. We go to question number 14. So what we do in this kind of question? जो दिया गया है उसको properly follow करते हैं. We don't apply
लॉट ऑफ माइंड राइट नाउ, वी विल पॉसिबली सी सम क्लू. ओके चलिए देखते हैं व्हाट इज द इंफॉर्मेशन. G20, हाउ डू आई राइट G20? G20 इज नथिंग बट एफ ऑफ 20+1 माइनस एफ ऑफ 20-1. यस और नो? सो इन अनदर वर्ड्स दिस इज एफ ऑफ 21 एंड दिस इज एफ ऑफ 19 विच आई पुट एफ ऑफ एक्स हियर. सो दैट इज इजी फॉर मी. 21 का स्क्वायर प्लस 21x प्लस बी माइनस 19 का स्क्वायर माइनस 19x माइनस बी एंड दिस इज G20 इज इक्वल टू 72. दिस इज व्हाट माय नंबर वुड बी. ओके लेट मी सी व्हाट डू आई गेट. दिस इज 72, 21 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर प्लस 21x. ठीक है सॉरी ये तो प्लस था हो है ना. सो 21x माइनस 19 विल गिव मी व्हाट 2x एंड बी बी मेरा कैंसल्ड है. सही है चलो बढ़िया ठीक है. सो और नॉट x दिस इज a, दिस इज a, सो आई गेट अ वैल्यू ऑफ a. ओके आई गेट अ वैल्यू ऑफ a. ग्रेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a. सो आई गेट 2a इज इक्वल टू 72 माइनस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ठीक है. दिस इज 21 माइनस 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 21 प्लस 19 इज इक्वल टू 40. सो दिस इज 2a इज इक्वल टू माइनस 8, a इज इक्वल टू माइनस 4. ठीक है एंड दे हैव गिवन मी f ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ठीक है विच मीन्स इफ आई पुट f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस बी हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ b? b की मिनिमम वैल्यू क्या होगी. सो टू डू दिस आई हैव टू थिंक दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस बी माइनस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ऐसा चाहिए ये मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा. ये सुनो x माइनस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा ना ये पूरा पार्ट. ठीक है और तो ये तो पॉजिटिव होगा क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर होगा. अब b माइनस 4 को भी या तो 0 या तो पॉजिटिव होना पड़ेगा विच मीन्स b हैज टू बी मिनिमम वैल्यू एज 4. ये सुनो सो b का वैल्यू हो जाएगा आपका 4. समझ आया आपको है ना. ये स्टेप वॉज द वेरी क्रूशियल स्टेप. ये स्टेप को बिल्कुल दो बार देखिएगा ठीक है. इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर मेनी ऑफ यू. ओके ग्रेट. क्वेश्चन नंबर 15. द डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी इज थ्राइस दैट ऑफ ए टू बी. टू ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी वाया बी. ओके सो दैट इज वी हैव टू गो ए टू सी वाया बी. द डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी इज थ्राइस दैट ऑफ ए टू बी. ए टू बी का डिस्टेंस एक्स है तो इसका 3x है. देर आर टू ट्रेन्स ट्रेन 1 एंड ट्रेन 2. ठीक है द स्पीड ऑफ ट्रेन 2 इज डबल दैट ऑफ ट्रेन 1. ओके ट्रेन 1 की स्पीड अगर s है तो इसकी 2s है. ठीक है चलो बढ़िया. वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम a टू b एंड देयर स्पीड्स आर इंटरचेंज्ड वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम b टू c. ओके देन द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ट्रेन 1 टू दैट ऑफ टाइम टेकन बाय ट्रेन 2 फ्रॉम ट्रेवलिंग a टू c. चलिए बढ़िया. सो वी अज्यूम कि अगर इसकी स्पीड s है डिस्टेंस x को काटना है उसको टाइम t लगता है. सो इट विल टेक टाइम t. ठीक है तो इसको ये x का डिस्टेंस काटने में टाइम t by 2 लगेगा. सही बात है ग्रेट. सो what वी आर डूइंग इज x by s इज इक्वल टू t. ऐसा हमने पहले एज्यूम करा. सो दिस इज टाइम टेकन t एंड दिस इज t by 2 क्योंकि इसकी स्पीड डबल है. अब हुआ ये कि अब जब वो 3x का डिस्टेंस काटने जा रहा है तब इस बंदे की स्पीड क्या हो जाएगी 2s. ये सुनो इसको जनरली 3t का टाइम लगता पर स्पीड उसकी डबल है सो इसको 3t by 2 लगेगा विच इज 1.5 ऑफ टी लगेगा. ओके ठीक है और जब ये 3x का डिस्टेंस काटेगा ठीक है ओके तो इसको टाइम लगेगा 3t क्योंकि वो स्पीड क्या काटेगा s की स्पीड से तो इसका टोटल टाइम लगा 2.5t. इसको टोटल टाइम लगा 3t प्लस 0.5 सो दैट इज 3.5 ऑफ टी. उन दोनों का रेशियो हो गया 5:7 विच इज 2.5 बाई 3.5. 5 5 जा
एंड 5 7 5 is to 7 इज द आंसर. क्लियर है? चलो बढ़िया, दिस लुक्स ओके. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16, द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों तीन साइड उसकी ए होती है, तो उसका पेरीमीटर हो गया 3a. रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है दैट इज 2 ऑफ एल प्लस बी, इनका सम इज 90. ये दिया गया है, मैं लिखता रहता हूं, ध्यान रहे मेरी मेथड हमेशा. देखिए आई एम नॉट रीडिंग द फुल क्वेश्चन, ठीक है? जो जो डेटा दिया जाता है दैट्स व्हाट आई एम पुटिंग इन अ पर्सपेक्टिव इन एन इक्वेशन, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग इट. द एरिया टी ऑफ अ ट्राइंगल एंड द एरिया आर ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ यू कैन से ट्राइंगल इज √3/4 ए स्क्वेयर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एल इन टू बी. दे सेटिस्फाई दिस रिलेशनशिप दैट इज आर इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, दिस इज आर इज इक्वल टू इसका स्क्वेयर. सही है? नाउ वी हैव थ्री वेरिएबल्स एल बी ए, अभी तक दो इक्वेशन है. यस और नो? ग्रेट. इफ द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:3, वेरी गुड, हो गया काम अपना. सो दैट इज एक साइड एक्स है, दूसरी साइड आपकी 3x है. सो दैट मीन्स दिस इज रिटन एज 3a प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3x, दैट मीन्स 3a प्लस 4 इंटू 2 8x इज इक्वल टू 90. और यहाँ पे होगा आपका √3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू 3x विच इज नथिंग बट 3x स्क्वायर, और ये स्क्वायर है. सही है? वेरी गुड. देन फाइंड द लेंथ ऑफ अ लॉन्गर साइड ऑफ द रेक्टेंगल. लॉन्गर साइड का लेंथ क्या है, विच मीन्स आई हैव टू फाइंड आउट 3x. ओके, आई हैव टू फाइंड आउट 3x. नाउ व्हेन आई लुक एट दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को अगर मैं अप्लाई करूंगा, सो दिस इज 3/16 इंटू 8^4 इज इक्वल टू 3x square. 3 कट गया, आई गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8^4/16. सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 8^2/4. That is what my x is, okay? Which I put it here. इस equation में मैं डालूंगा. So what do I get? 3a plus 8 into 8^2/4 is equal to 90. This is 4 2s. So this is 2a² plus 3a minus 90 equals to 0. This becomes a quadratic equation. है ना? Quadratic equation कैसे हुआ? 19 into 2 is 180. 180 का दो पार्ट ऐसे करो ताकि माइनस करने से 3 आ जाए, विच आई रिमेंबर 12 into 15 is 180. सो दिस इज 2a² - 12a + 15a - 90 = 0. सो दिस इज a - 6 एंड दिस इज 2a + 15 = 0. सो a इज इक्वल टू 6 और a इक्वल टू सम नेगेटिव नंबर. आई एम नॉट बॉदर्ड, a का वैल्यू आ गया मेरा 6. ठीक है, आई नीड 3x का वैल्यू. आई पुट एक्स ईयर पहले, यहाँ पे ए का वैल्यू डाल देता हूँ. सो माई एक्स इज इक्वल टू 6² विच इज 36/4 विच इज 9. ओके, आई नीड 3x. 9 3s are 27. माई आंसर इज 27. काफ़ी ईजी था, काफ़ी सिंप्लीफाइड सॉर्टेड मैथड है. अगर आप इसको स्टेप बाई स्टेप लिखोगे पक्का आपका काम हो जाएगा. आपको ये समझना है कि पूरा क्वेश्चन मत समझो, ठीक है? आपको जो जो डेटा दिया है उसके साथ साथ उसको समझो तो बहुत जल्दी कर पाओगे. क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है? ये क्वेश्चन हम आगे भी कर चुके हैं ऐसा, ठीक है? देखिए दोस्तों, है ना, ये क्या बोला है? x² - 5x + 7 to the power x + 1 = 1. ठीक है, उसका दो तरीका है. एक तरीका जो आपका x² - 5x + 7 की पावर अगर मैं 0 कर दूं तो आई गेट 1, या मैं 1 की पावर x प्लस 1 कर दूं तो भी मेरा 1 आएगा. ये सर नो? ठीक है, या -1 की पावर x प्लस 1 और ये मेरा इवन हो जाए तो भी मेरा 1 आएगा. ये मेरे पास तीन पॉसिबिलिटी है. ये सर नो? पहली पॉसिबिलिटी में ये अप्लाई करता हूं, विच मीन्स ये जो पावर है दैट इज x प्लस 1 0 हो गया एंड x इक्वल्स टू माइनस 1. सो अभी तक एक आंसर आया. ओके, सेकेंड एप्लीकेशन इज दिस विच इज x² - 5x + 7 = 1. ठीक है, विच मीन्स x² - 5x + 6 = 0. इसके दो रूट निकलेंगे, +2 - +2 + 3
यस नो, टू एंड थ्री निकलेगा. सो देर आर टू मोर रूट्स पॉसिबल. देर इज अनदर पॉसिबिलिटी इज एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू माइनस वन. सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, ठीक है, प्लस एट इक्वल टू जीरो. जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, एट के दो पार्ट ऐसे निकालने ताकि प्लस करने से फाइव आ जाए, कोई भी पॉसिबल नहीं है. फोर टू सा एट होता है और कोई पॉसिबिलिटी बनता नहीं है. मतलब यहाँ से मुझे इंटीजर सॉल्यूशन मिलेंगे नहीं, तो मुझे टोटल तीन ही सॉल्यूशन मिलेंगे. यहाँ से मुझे एक सॉल्यूशन मिला ये केस से, ये दूसरे केस से मुझे दो सॉल्यूशन मिले, और ये तीसरे केस से मुझे कुछ भी नहीं मिला. सो देयरफॉर टोटल तीन इंटीजर सॉल्यूशन है मेरे पास और वो मेरा आंसर है. इज दैट वेरी क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है. 17. नाउ कमिंग टू 18. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इट सेज हाउ मेनी वेज अ कैन अ पेयर ऑफ इंटीजर एक्स ए कैन बी चोजन. ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है अगर आप इसको ध्यान ना दें. पेयर ऑफ विच मीन्स एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 3 है, एक्स की वैल्यू माइनस 1 है, ए की वैल्यू 3 है, तो भी ये पेयर है ऐसा. ओके चलिए ग्रेट. एंड नाउ दे आर गिविंग दिस इक्वेशन कॉल एक्स स्क्वायर माइनस टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ ए माइनस टू इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, नाउ देर आर वेरियस वेज ऑफ लुकिंग एट दिस क्वेश्चन. ठीक है, वन ऑफ द वे इज आई लुक एट दिस एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखता हूं और मैं उसको सॉल्व करने जाता हूं, तो यहां पे मेरे पास चार इक्वेशन बनेंगे जहां पे मैं एज्यूम करूंगा एक्स एक बार पॉजिटिव है, फिर एक बार नेगेटिव है, फिर ए माइनस टू एक बार पॉजिटिव है, ए माइनस टू एक बार नेगेटिव है, एंड सो एंड सो फोर्थ. यस और नो? ठीक है. हाउएवर इफ आई स्टार्ट लुकिंग एट अनदर वे, दैट इज केस नंबर वन, आई एम एज्यूमिंग कि अगर ये पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये सब कुछ जीरो हो रहा है. सो आई एम एज्यूमिंग माई ए माइनस टू, है ना, माई ए माइनस टू को मैं या तो वन मान लूं, तो मुझे इक्वेशन मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ऐसा मुझे केस मिल जाएगा. या केस नंबर टू, मैं ऐसा सोचूं एक्स स्क्वायर माइनस टू मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है, और ए माइनस टू को मैं जीरो मान लूं, सो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो. दैट्स पॉसिबल फॉर मी, यस और नो? सो आई गेट दिस टू वेरिएबल्स, टू केसेस पॉसिबल. ठीक है, विच मीन्स इफ आई सॉल्व दिस आई गेट वॉट, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो. सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू वन, और आई टेक एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो. सो आई गेट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन. सही बात है, वेरी गुड. ओके, सो हाउ इज दिस पॉसिबल? एक्स इक्वल्स टू वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन, सो देयरफॉर ए इज ए माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू टू. सो दैट मीन्स आई गेट वन टू, आई गेट माइनस वन टू. दिस आर द टू पॉसिबिलिटीज आर देयर फॉर मी. ओके ठीक है, चलो बढ़िया, दिस लुक्स ओके. चलिए आगे देखते हैं. नाउ हियर व्हेन आई पुट एक्स स्क्वायर माइनस टू मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, सो आई गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू मॉडुलस ऑफ एक्स. यस और नो? गुड. ठीक है, सो व्हाट आई एम एज्यूमिंग, मॉडुलस ऑफ ए माइनस टू इज इक्वल टू, आई एम एज्यूमिंग जीरो. ओके, सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू टू, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. सही है. ओके, नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है, विच मीन्स एक्स की वैल्यू या तो टू है, या तो एक्स की वैल्यू माइनस टू है, या तो एक्स की वैल्यू जीरो है. ये सब पॉसिबिलिटीज है, ये सब नो? सो व्हाट डू आई गेट, टू टू माइनस टू टू जीरो टू. ठीक है, ये तीन पॉसिबिलिटीज बनी मेरे लिए, टू टू माइनस टू टू एंड जीरो टू. ये सब नो? इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी? लेट मी चेक. सो द पॉसिबिलिटी विच आई सी इज हियर ए माइनस टू. मैंने यहाँ पे ए माइनस टू को क्या माना था, वन. ओ, मैंने यहाँ गलती कर दी, यहाँ टू टू लगाकर. ए माइनस टू इज इक्वल टू वन, सो दैट मीन्स ए इज इक्वल टू थ्री, ये पॉसिबल है, या ए इज इक्वल टू वन पॉसिबल है. ये सुनो, वन माइनस टू इज दिस, दैट इज वन. ठीक है, दैट इज अ पॉसिबिलिटी, विच मीन्स व्हाट आई एम गेटिंग इज, ठीक है, थ्री और वन पॉसिबल है. सो वन के साथ थ्री
वन के साथ, वन माइनस वन के साथ, x की वैल्यू माइनस वन के साथ थ्री, x की वैल्यू माइनस वन के साथ ये वन, तो ये हो गए आपके टोटल चार तरीके। ये गलत है, ये नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके ठीक है, तो ये आपके चार तरीके हो गए, प्लस आपके ये तीन तरीके हो गए, फोर प्लस थ्री सेवन, लुक्स ओके, सही है, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 19, वेरी इंटरेस्टिंग सेट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, टू सर्कुलर ट्रैक्स T1 एंड T2 ऑफ रेडियाई 100 एंड 20 आर रिस्पेक्टिवली टच एट अ पॉइंट O। एक बड़ा सर्कल है, उसके बाजू में एक छोटा सर्कल है, दे आर टचिंग एट पॉइंट ए। ओके, इसका रेडियस है आपका 100, इसका रेडियस है आपका 20। ओके, राम एंड रहीम आर वॉकिंग ऑन द ट्रैक T1 एंड T2 एट द स्पीड ऑफ 15 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। राम इज एट 15, रहीम इज एट 5। ओके, सो ये T1 और T2 पे चलते हैं, विच इज राइट, दिस इज T1 एंड दिस इज T2, ग्रेट है। द नंबर ऑफ फुल राउंड्स दैट राम विल टेक बिफोर ही मीट्स रहीम अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, सो दे आर मीटिंग, है ना, यहाँ पे मिल रहा है। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, राम को पूरा चक्कर काटने में कितना टाइम लग रहा है, रहीम को पूरा चक्कर काटने में कितना टाइम लग रहा है, और दोनों का एलसीएम कर देंगे, दैट विल बी आवर आंसर, यस और नो। चलिए बढ़िया, सो दोस्तों रहीम को पूरा चक्कर काटना है, सो विच इज 2πr, r इज 100, ठीक है, विच इज इन मीटर, ठीक है, बट दैट्स ओके अभी के लिए, और उसकी स्पीड कितनी है 15, दिस इज अ टाइम टेकन बाय राम, रहीम टेक्स 2πr अपॉन 5, दिस इज अ टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम। ये राम का टाइम है और ये रहीम का टाइम है, ठीक है, दोनों को, है ना, अगर टाइम का रेशियो देखे, है ना, दोनों को एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है अगर वो देखे, सो दोनों को डिवाइड करेंगे हम, सो दैट इज 2π 100 15, दिस इज 2π 25, 2π कट गया, 25 जा 5 3 जा, सो दैट मीन्स 5 राम को लगता है, 3 रहीम को लगता है, ये दोनों का टाइम है, दिस इज रहीम। ओके ठीक है, विच मीन्स जब अगेन से राम पूरे 3 राउंड कर देगा, उस समय पर रहीम को 5 राउंड लगेंगे, तब दोनों एक बार मिल जाएंगे, क्योंकि 5 और 3 का एलसीएम करना था 15, ये सुनो 5 गुना 3 15, सो राम को कितने लगेंगे 3 राउंड करने पड़ेंगे, और रहीम टोटल 5 राउंड करेगा, इज दैट कंफर्टेबल, वेरी गुड। चलिए बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 20, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए एंड बी आर टू पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, राम रन्स फ्रॉम ए टू बी व्हाइल रहीम रन्स फ्रॉम बी टू ए, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर दे क्रॉस ईच अदर एट सम पॉइंट, राम एंड रहीम रीच देयर डेस्टिनेशन इन 1 मिनट एंड दिस इज इन 4 मिनट, इफ दे स्टार्ट एट द सेम टाइम देन द रेशियो ऑफ राम एंड रहीम स्पीड क्या होगा। ये हम ऑलरेडी 2 बार प्रीवियस टाइम में सीख चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज ये लास्ट सेशन का अगेन से वीडियो देख लीजिएगा, दैट इज क्लैट 2020 का अगेन से स्लॉट 1 का पहला पार्ट। ओके, सो ये होता है राम की स्पीड अपॉन रहीम की स्पीड इज गिवन एज अंडर रूट ऑफ ये 4:1 विच इज 2:1, ठीक है, तो स्पीड क्या होगा, राम अपॉन रहीम इज 2, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, सो दोस्तों ये हमने 10 क्वेश्चंस करे, नाउ देयर आर 6 मोर क्वेश्चंस आर लेफ्ट विच विल कम बाय टुमारो, ठीक है, एंड बाय दैट वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर कैट 2020 स्लॉट 2 कॉन्ट सेक्शन। आई एम श्योर यू आर एंजॉइंग दिस मॉड्यूल्स, अगर आपको ये पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।